हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 59, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जहां पर भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ बनाए गए हैं उन सभी को ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही क्वेश्चंस का लाभ उठाते रहें और एग्ज़ाम को क्रैक करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी ज़रूर क्लिक करके ज्वाइन हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको पीडीएफ्स भी मिलने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि विकलांगजन अधिनियम के किस अध्याय में विकलांगजनों हेतु रोजगार सुनिश्चित करने की बात की गई है। देखिए, जितने भी अधिनियम हैं, चाहे वो विकलांगजन अधिनियम हो, चाहे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम हो, इन सभी का डिटेल्स वीडियो भी बनाया जा चुका है। आप चैनल की लिस्ट में जाइए और आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ये चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5, या फिर ऑप्शन बी अध्याय यानी कि चैप्टर 6, या फिर ऑप्शन सी अध्याय यानी कि चैप्टर 8, या फिर ऑप्शन डी अध्याय यानी कि चैप्टर 13 यानी कि 13 है। तो इन चारों में से हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चैप्टर 6 अध्याय 6 में बात की गई है जो दिव्यांगजन या विकलांगजन हेतु जो रोजगार सुनिश्चित करने की, आखिर कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि ऑप्टकॉन किससे संबंधित है। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज ऑप्टकॉन, ये ऑप्टकॉन क्या है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होगा। ये नए नए क्वेश्चंस हैं। अब ऑप्टकॉन है क्या, देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अधिगम अक्षम बच्चों से यानी कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन से, या फिर ऑप्शन बी स्वलीन बच्चों से यानी कि ऑटिज्म चिल्ड्रन से, या फिर ऑप्शन सी दृष्टिबाधित बच्चों से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दृष्टिबाधित बच्चों से। जो हमारा डी ऑप्शन था वो था श्रवणबाधित बच्चों से, लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दृष्टिबाधित बच्चों से। देख लीजिए ऑप्टकॉन ये रहा, जहाँ पर जिस अक्षर में ये मशीन रख दी जाती है, और तो वहीं पर जो मेन मशीन है जहाँ पर दूसरा हाथ है लेफ्ट वाला, वहाँ पर एक स्पर्शी स्थिति दर्शाती है जिससे जो दृष्टिबाधित बच्चा है आसानी से उन चीज़ों को समझ सकता है और पढ़ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित ब्रेल एटलस किस तरह का उपकरण है। अब आपको ये जानना होगा कि आखिर ब्रेल एटलस किस तरीके का उपकरण है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गणितीय उपकरण, ऑप्शन बी भौगोलिक उपकरण, ऑप्शन सी लेखन उपकरण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये भौगोलिक उपकरण है। जियोग्राफिकल एड्स है जो दृष्टिबाधित बच्चे इसे सीखते हैं। एक प्रकार का ये स्पर्शी टाइप का बनाया जाता है जिससे दृष्टिबाधित बच्चे स्पर्श करके सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि मिर्गी का अर्थ है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक विकार जिसमें व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, ऑप्शन बी एक विकार जिसमें मस्तिष्क का अगला भाग प्रभावित होता है, या फिर ऑप्शन सी एक विकार जिसमें शरीर के अंग गल जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी
एक विकार जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिससे दौरे पड़ते हैं। क्या था हमारा ऑप्शन डी? क्या था? एक विकार जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिससे दौरे पड़ते हैं। अब इन चारों में से आप समझ गए होंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारी मिर्गी है उसकी समस्या होती है कि दौरे आते हैं। अगर दौरे अर्थ यहाँ पर दौरे शब्द ना भी लिखा हो, तब भी देखिए ये सब तभी होता है जब हमारा जो नर्व्स होती हैं वो अगर बैलेंस नहीं रह जाता उनमें, या उनकी यूं कहें कि एक प्रकार के डैमेज हो जाती हैं सेल्स, जिसके कारण से ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो आपके सामने है कि चित्रपूर्ति परीक्षण है, यानी कि पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट इज। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक परीक्षण यानी कि वर्बल टेस्ट, ऑप्शन बी अशाब्दिक परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट, या फिर ऑप्शन सी त्वचा परीक्षण यानी कि स्किन टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी संगीत कला परीक्षण यानी कि म्यूजिक आर्ट टेस्ट। इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अशाब्दिक परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि द इम्यून सिस्टम इज। देखिए सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको वहाँ जवाब देना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं हम, इम्यून सिस्टम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मांसपेशियों का एक समूह, या फिर ऑप्शन बी हड्डियों का एक समूह, या फिर ऑप्शन सी जैविक प्रक्रियाओं का एक नेटवर्क जो किसी जीव को बीमारियों से बचाती है, या फिर ऑप्शन डी शरीर में रोग का कारण। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जैविक प्रक्रियाओं का एक नेटवर्क जो किसी जीव को बीमारियों से बचाता है। यह हमारा मतलब जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है वो इस तरीके का होता है कि किसी भी बीमारी को होने से बचाता है, यानी कि कहते नहीं कि रक्षा प्रणाली है, या रक्षा करती है किसी भी समस्या से, उसको होने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डाकार रूपरेखा कार्यवाही में कितने अध्याय, जो डाकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है, तो इसमें कितने अध्याय हैं? जो आप जानते हैं कि सलामांका स्टेटमेंट है, जो कि सलामांका स्टेटमेंट था, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, और ये डाकार रूपरेखा है जो कि 2000 में आया, ये उसी समय फ्रेमवर्क बना। तो इसमें कितने अध्याय हैं हम इसकी बात करते हैं? इसमें 4 अध्याय हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 7, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें 4 अध्याय हैं जो कि डाकार रूपरेखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि 2 कथन मिलेंगे, ये रहे आपके सामने दोनों कथन, कि RTE एक्ट 2009 में लागू हुआ। कथन दूसरा क्या कहता है? NCERF 2005 के अध्याय 4 में समावेशी शिक्षा का वर्णन है। तो देखिए पहला कथन क्या है, RTE एक्ट 2009 में लागू हुआ, यह गलत है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। और कथन जो दूसरा है कि NCERF 2005 के अध्याय 4 में समावेशी शिक्षा का वर्णन है, तो बिल्कुल ये अध्याय 4 में वर्णन है। तो अब इनमें से हमारा गलत कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी केवल कथन एक गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि केवल कथन पहला गलत है, RTE एक्ट 2009 में लागू हुआ था, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, इसलिए हमारा ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने हैं कि भाषा अभिव्यक्ति विकार संबंधित है, जो लैंग्वेज जो एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर है वो संबंधित है, इसको देखते हैं हम। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शब्दकोश का सीमित होना, ऑप्शन बी अधिक शब्दकोश होना, या फिर ऑप्शन सी चेहरे की चमक कम होना, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क विकार से संबंधित है।
इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शब्दकोश का सीमित होना। सीधी सी बात है कि भाषा अभिव्यक्ति जो विकार है वो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा लैंग्वेज का, यानी कि शब्दकोश का सीमित है, सीधी सी बात है। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी है इन सभी का इंग्लिश ठीक नहीं है, चारों ऑप्शंस का तो सबका लगे, जैसे कि शब्दकोश का सीमित होना, तो यानी कि लिमिटेशंस ऑफ वोकैबुलरी, यहाँ पर ऑप्शन इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ वोकैबुलरी, शब्दकोश का सीमित होना, जो कि यही सही है। ये ऑप्शन बी का इंग्लिश भी गलत है, सी का भी, इन सबका इंग्लिश सबका गलत है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो शब्दकोश का सीमित होना इसलिए सही है क्योंकि अगर आपके पास शब्द ही नहीं है, कम है, तो सीधी सी बात है आप अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बाकी अधिक शब्द होना यानी कि मोर वोकैबुलरी, तो अगर आपके पास अधिक वोकैबुलरी होगी या शब्दकोश होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चेहरे की चमक अधिक होना, ब्राइटनेस होना फेस की आपकी, या मस्तिष्क विकार से या मेंटल डिसऑर्डर से, तो इससे भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, पहला है ऑप्शन ए शब्दकोश का सीमित होना, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि बहरुल इस्लाम समिति ने किसकी सिफारिश की थी, बहरुल इस्लाम समिति ने किसकी सिफारिश की थी। अब देखते हैं हम बहरुल इस्लाम समिति क्या है, इसके बारे में आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं कि ये क्या थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखते हैं किसकी सिफारिश की थी। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विकलांगजन अधिनियम की, या फिर ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की, या फिर ऑप्शन सी भारतीय लुनासी अधिनियम की, या फिर ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की। इन चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, विकलांगजन अधिनियम की, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 की ये बहरुल इस्लाम समिति ने सिफारिश की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ग्यारहवां प्रश्न जो आपके सामने है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लैंग्वेज यानी कि भाषा, ऑप्शन बी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, या फिर ऑप्शन सी शिक्षण के तरीके यानी कि टीचिंग स्टाइल, या फिर ऑप्शन डी भावात्मक विकास स्तर यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट स्टेटस। तो इन चारों में सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, शिक्षण के तरीके, टीचिंग स्टाइल हमारा मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है, जो शिक्षण अधिगम का मेन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बारहवां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आनुवंशिक विकार नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए थैलेसीमिया रोग, ऑप्शन बी सिकल सेल रोग, ऑप्शन सी पार्किंसंस रोग, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पार्किंसंस रोग, यानी कि ये आनुवंशिक विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है और हमारा हाथ में जकड़न वगैरह आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ब्रेस संबंधित है, BRACE ब्रेस किससे संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारीरिक समस्या से, ऑप्शन बी मानसिक समस्या से, ऑप्शन सी सामाजिक समस्या से, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक समस्या से। इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शारीरिक समस्या से। आप देखिए ब्रेस का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को बांधे रखता है ये, जैसे हमारे कहीं कमर में प्रॉब्लम हो जाती है या नी में प्रॉब्लम हो जाती है या दांतों में, तो ये सब ब्रेस कहलाता है, इसको ब्रेस कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे के लिए यह आवश्यक नहीं है। देखिए क्या आवश्यक नहीं है, हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैसाखी यानी कि क्रचिस, ऑप्शन बी व्हीलचेयर, ऑप्शन सी ट्राईसाइकिल, ऑप्शन डी श्रवण यंत्र। इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, श्रवण यंत्र। स्पाइना बाइफिडा जो कि आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जो बैसाखी व्हील चेयर ट्राईसाइकिल ये उपयोगी है, बट श्रवण यंत्र हियरिंग एड उपयोगी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसे गुलाबी नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए एकदम नया है जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आखिर कौन सा है वो समस्या, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चिंतन समस्या, ऑप्शन बी मानसिक समस्या, ऑप्शन सी रोजेसी, ऑप्शन डी विटिलिगो। तो इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रोजेसी। अब रोजेसी क्या है ये देखिए, अब क्यों कहते हैं इसको गुलाबी, क्योंकि जो ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, आप देख सकते हैं चित्र में कि किस तरीके से छोटे छोटे जैसे कि धब्बे टाइप पड़ जा रहे हैं गुलाबी कलर के, जिसकी वजह से पूरा चेहरा खराब खराब दिखता है, ये मेन समस्या है इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न जो आपके सामने है कि यदि एक बच्चा आपकी कक्षा में अति चंचल है तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि एक टीचर है या आप टीचर हैं, तो आपकी कक्षा में अगर कोई हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो आप क्या करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उसको कक्षा से बाहर निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। एक शिक्षक होने के नाते कभी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसे आप कितना बढ़िया से बढ़िया उसके साथ कर सकते हैं एक्टिविटी। इसके अलावा ऑप्शन बी क्या कहता है कि उसे कुछ काम दे देंगे, या फिर ऑप्शन सी अन्य बच्चों को उसे समझाने के लिए कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी इसे प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे या अन्य बच्चों को समझाने के लिए कह देंगे। अगर उनकी इस यही सब करना है तो फिर आपका क्या काम है वहाँ, आप टीचर हैं। फिलहाल इन चारों में से हमारा सही जवाब है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, उसे कुछ काम दे देंगे। देखिए जब ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसे किसी ना किसी काम में लगा देना चाहिए, जिससे वो सीख भी लेगा, एक्टिविटी भी कर लेगा और वो शांत भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से यही उचित है, क्योंकि आपके पास जब कोई सवाल आ जाता है इस तरीके का तो आप वही करेंगे जो वहाँ पर उचित होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो वो वाला पता था, वो ऑप्शन क्यों नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना भी आप क्वेश्चनायर लगाते हैं, प्रश्नोत्तरी लगाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही ऑप्शन मिल जाए आपको। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उत्तर तो सही हो ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हमारे पास ये रहे पद कि अगर डिसेबिलिटी सिंगल प्रॉब्लम है, यानी कि अगर अक्षमता है आपको, तो जैसे कार्यात्मक, ये जो अक्षमता होती है वो कार्यात्मक रूप से प्रॉब्लम को दर्शाती है। तो सिंगल क्यों है, क्योंकि जैसे आपको दौड़ने से संबंधित है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक मिनट में कहीं पर पहुंच जा रहा है, लेकिन आपके पैर में प्रॉब्लम की वजह से आप पहुंचते हैं बट थोड़ा देर से, ये क्या है, अक्षमता है। यानी कि उसके मुकाबले में जितना उसका प्रोसेस है, आप उसका फंक्शन बहुत अच्छा है, आपका नहीं है, तो फंक्शनल तो सिंगल हो गया। लेकिन आपके पास जब बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी तो वो फिर अक्षमता नहीं रह जाती है, तो उसके लिए फिर हैंडीकैप्ड आता है। तो हैंडीकैप्ड फिर किससे संबंधित होगा, हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहु समस्या यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम, या फिर ऑप्शन बी क्षति यानी कि इम्पेयरमेंट, या फिर ऑप्शन सी मानसिक समस्या, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक समस्या। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीपल प्रॉब्लम। देखिए सवाल किसी भी तरीके का आ सकता है। एक बात और, हैंडीकैप को बहुत अच्छे से समझिए, इम्पेयरमेंट को बहुत अच्छे से समझिए, डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझिए। इन तीनों को यूट्यूब में सर्च करके मेरा नाम बाई सुल्तान डालिए, आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको फेस वीडियो उसमें मिलेगा, आपको पूरी तरीके से दिख भी रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप में टोटल डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी के कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मंदबुद्धिता, अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन बी शैशव काल के समय दिमागी बुखार, इससे भी हो सकता है। ऑप्शन सी शिक्षक की शिक्षण शैली, इससे अधिगम क्षमता नहीं उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। देखिए जो ऑप्शन सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सही नहीं बैठ रहा है। बाकी तीनों में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रवणबाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑप्शन बी बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म, या फिर ऑप्शन सी पार्किंसंस रोग यानी कि जो पार्किंसंस डिजीज होता है, या फिर ऑप्शन डी थैलेसीमिया। इनमें से सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पार्किंसंस रोग। श्रवणबाधिता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कान से इंद्रिय प्रॉब्लम है। बौनापन क्या है? वो फिजिकली रूप से जो हाइट प्रॉब्लम होता है। थैलेसीमिया क्या है? जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिसऑर्डर है वो पार्किंसंस रोग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास दो कथन है। पहला कि रूसा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा 2013 में प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनको पूरी तरीके से फाइनेंशियल असिस्ट करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अलावा IEDC 1974 में हुआ, जो कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये उसके लिए था। अब इनमें से हमारा सही कौन सा है? तो देखिए जो कथन पहला था रूसा वो भी सही है, कथन दूसरा है वो भी सही है। तो अब इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन एक गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। अब इनमें से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दोनों कथन सही हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस जो आपके सामने रहे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। इसके अलावा बहुत जल्द आपको मैराथन की वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो चैनल पे बने रहें एंड वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।